हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सब कृष्ण कन्हैया राधा रानी की कृपा से आप बहुत अच्छे होंगे। और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फेरी लड्डू जोशी में। ओ देखो, मेरी राधा रानी कितना प्यारी लग रही हैं आज। आप उनके अलग अलग रंग, अलग अलग भिन्न भिन्न ड्रेसों में उनके स्वरूप के दर्शन कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। तो आज हम बात करेंगे कि क्या हमें अपने बाल गोपाल के साथ राधा रानी जी की, श्री जी की सेवा करना ज़रूरी है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप लड्डू गोपाल की अकेले में भी सेवा कर सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको दोनों की जोड़े में ही सेवा करनी है, क्योंकि हमारे बाल गोपाल तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। आप उनको प्रेम से अगर तुलसी दल, तुलसी पत्र का भी सेवा देंगे और राधे राधे बोलेंगे तो भी वो खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास समय है और आप दोनों की सेवा कर सकते हैं तो आप ज़रूर लेके आइए राधा रानी को अपने घर और उनकी सेवा कीजिए। भाव से सेवा कीजिए, प्रेम से सेवा कीजिए। लेकिन ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आपको ज़रूर ही लेके आनी है। तो मेरे पास भी पहले राधा रानी नहीं थी, लेकिन ये मेरी मम्मी ने दी है मुझे और मेरा लालाई ने खुद लेके आ गया है। वो खुद से आ गई हैं तो मैं भी उनकी सेवा कर रही हूँ, प्रेम से सेवा कर रही हूँ, भाव से सेवा कर रही हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं, अकेले में भी सेवा कर सकते हैं। एक पत्र चढ़ाकर, राधा रानी नहीं है तो उनको राधे राधे बोलिए, तुलसी पत्र चढ़ाकर, तो उनकी सेवा पूरी हो जाएगी और वो आपसे खुश भी रहेंगे। और अगर राधा रानी लाने का समय है, उनकी दोनों की सेवा कर सकते हैं तो ज़रूर लाइए, बहुत अच्छा है। ऐसे आप भी उनकी सेवा कर सकते हैं। और बताइए, आज आपको मेरे बाल गोपाल और राधा रानी तीनों का स्वरूप कैसा लग रहा है? तो ऐसे आप भी सेवा कीजिए। जय श्री राधे राधे राधे।